सिंगू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली निकल चुकी है, ट्रैक्टर परेड है गणतंत्र दिवस पे, और हमारे साथ कई सारे किसान हैं जो ट्रैक्टरों का आप एक लंबी तादाद है और लंबी लाइन लगी है ट्रैक्टरों की। हम किसानों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या सोच है इस ट्रैक्टर रैली के पीछे और क्या लगता है उन्हें, क्या वो सोच रहे हैं। तो हम बात करते हैं, तो चढ़ना मुश्किल है, चलिए। क्या नाम है? रविंदर सिंह। रविंदर जी, क्या लगता है इस ट्रैक्टर रैली से क्या होगा? ए, हम तीनों काले कानून रद्द करवाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो हम 7 मई अपना प्रदर्शन करके फिर अपने धरने में वापस आएंगे। हाँ जी, मतलब शांति से करने का प्लान है। शांति से, कोई बल्लेबाजी नहीं, शांति से अपना प्रदर्शन करके फिर अपने पड़ावों पे वापस जाएंगे। एक तरफ जो है वो गणतंत्र दिवस का परेड जो है वो राष्ट्रपति और तमाम जो है वो लोग करेंगे, और यहाँ आप लोग निकाल रहे हैं किसानों के अलग। किसानों की परेड है, किसान परेड निकाल रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? हम मुगलचक पंदुमा तरन तारण से, जिला तरन तारण। तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर जी, कहाँ से हैं आप? तरन तारण से ही हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या इन चीजों से, आपके इस ट्रैक्टर रैली से, इस परेड से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा जी, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। हाँ जी, आंदोलन होगा तो पड़ेगा, हरकत पड़ना ही है। हाँ जी, क्या किसान बहुत यहाँ कम आए, आज उनको पालन पड़ जाएगा। किसान बहुत है, मीडिया गोदी मीडिया जो दिखाता नहीं, हमारा किसान है नहीं बोलते, सारे सभी गांव को चले गए, अभी कोई किसान नहीं है। ये खालिस्तानी है, वो है आतंकवादी है, कुछ बोलते हैं। हाँ, लेकिन हम किसान है, आतंकवादी नहीं है, किसान अपना हक लेने के लिए आए हैं। इनकी नाराजगी है कि मीडिया जो है वो दिखाता नहीं है और मीडिया इनके बारे में निगेटिव बातें कर रहा है, ये इनकी नाराजगी है। क्या नाम है आपका? गुरजन सिंह। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी किसान हैं। हाँ, हम किसानी करते हैं और हम बोल रहे हैं अभी ये जो मोदी है ना, इसको ये काले कानून वापस लेने चाहिए, जरूरी लेने चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जनता का। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हमारी खेती है, जो आज भी हमारे जो उधर है ना, जो सरकारी खरीद चलती है उससे 300-400 रुपया कम में खरीदी हो रही है हमारे। प्राइवेट का डर है, प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट वाले तो पहले ही अभी हमारे सरकारी खरीद लेट आती है तो प्राइवेट वाले खरीदते हैं तो 300-400 रुपया कम खरीदते हैं। जब ये अडानी डवानी आ जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं, एक दो साल हमको ज्यादा देंगे, बाद में वो कम हो जाएगा। इन्हें डर है कि इनकी खेती किसानी जो है वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग इस परेड में शामिल हो रहे हैं। ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, लोग पैदल हैं, हाथों में तिरंगा है, उनके अपने अपने संगठन जो है उनका झंडा है, किसानों का जो झंडा होता है वो है। हम इस वक्त ट्रैक्टर पे हैं और हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों का एक रैला है। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए द क्वींट ऑफ क्वींट हिंद के साथ।